हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योगिताज कॉर्नर। आज हम देखने वाले हैं एक खट्टी मीठी रेसिपी जिसका नाम है दही वड़ा, जो कि खट्टा भी होता है और मीठा भी होता है। तो चलिए देखते हैं दही वड़ा। इसके लिए हमें उड़द दाल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 2 कप उड़द दाल ली है। इसे हम 4 से 5 घंटा पानी में भिगो देंगे। ये देखिए, हमारी दाल अच्छे से भीग गई है। इसे अभी अच्छे से धो के मैं पानी निकाल देती हूँ। इसे हम अभी मिक्सर में से पीस लेंगे, अच्छे से पेस्ट करेंगे। पीसते वक्त मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून अदरक डाल रही हूँ, जिससे पेस्ट में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और हमारे वड़ों का स्वाद भी अच्छा आएगा। ये देखिए, अच्छे से पेस्ट बन गई है। अभी इस पेस्ट में मैं नमक ऐड करूंगी। थोड़ा सा नमक ऐड करना है और इसे 1 घंटा वैसे ही रख देना है, ताकि हमारा बैटर अच्छे से फूल जाए। ये देखिए, हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो गया है। अभी वड़े बनाते वक्त हम हाथ को थोड़ा सा पानी लगाएंगे, ताकि हमारे वड़े हाथ से अच्छे से छूटे। और वड़े हम बहुत बड़े नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे ही बनाएंगे। जब हम उसे फ्राई करेंगे तो तेल में वो फूल जाएंगे, इसीलिए। अभी हम देखते हैं कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अभी हम हमारे वड़ों को एक एक करके फ्राई करेंगे। ऐसे ही मैं सारे वड़ों को फ्राई कर लूंगी। फ्लेम मीडियम टू लो इसमें ही होनी चाहिए, ताकि हमारे वड़े अच्छे से पक जाए। ये देखिए, हमारे वड़े अभी रेडी हो गए हैं। हम इसे निकाल देंगे। अभी मैंने अभी यहाँ पे एक बर्तन में नॉर्मल टेम्परेचर में पानी लिया है, जिसे हमें वड़ों को उसमें डालना है। सारे वड़े ऐसे ही हम डाल देंगे और इसे 10 या 15 मिनट ऐसे ही रख देंगे, ताकि वो अच्छे से पानी में सोख हो जाए। तब तक हम दही बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर दही लिया है, जो कि फ्रेश है, खट्टा नहीं है। इसमें मैं अभी थोड़ा सा शुगर ऐड करूंगी। और थोड़ा सा नमक। अभी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसे। आप इसे मिक्सर से भी मिक्स कर सकते हो, मैं विस्क से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, हमारा रेडी हो गया है। अभी हम दही वड़े से पानी निकाल देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हल्के हाथ से प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, और डायरेक्ट उसे दही में डाल देना है। ऐसे ही हम एक एक वड़ों को अच्छे से प्रेस करके दही में डालते जाएंगे। देखिए, हमारे वड़े बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। ये हमारे वड़े अभी रेडी हो गए हैं। इसमें हम दही में सोक करके रखेंगे 10-15 मिनट। अभी देखते हैं हम इसे सर्व कैसे करेंगे।
बाउल ले लूंगी और वड़ों को उसमें सर्व कर लूंगी। अभी हम इसके ऊपर रेड चिली पाउडर स्प्रेड करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, यहाँ पे मैं अभी काला नमक स्प्रेड कर रही हूँ। आप सादा नमक भी स्प्रेड कर सकते हो, लेकिन काला नमक का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। आप ऐसे भी खा सकते हो, या फिर इस पे हमारी जो मीठी चटनी होती है इमली की, वो स्प्रेड करके भी खा सकते हैं। देखिए अभी हमारे ये वड़े खाने के लिए रेडी हो गए हैं। आप इसे फ्रिज में रख के जब खाना चाहो तब निकाल के ठंडा ठंडा खा भी सकते हो, या फिर ऐसे भी खा सकते हो। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।